नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। एक्सीडेंट में बाल बाल बचे उड़ारिया के अंगद मान यानी कि जाने माने टीवी एक्टर करण वी ग्रोवर। जी हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया है। आप देख सकते हैं कि उन्हें चोट आई है। दरअसल करण रात को ड्राइव कर रहे थे। फिलहाल आप सबको तो पता ही है, खासतौर पर वो लोग जो उड़ानियों को लगातार फॉलो करते हैं, वो ये जानते हैं कि अब बस लंदन का ट्रैक आने वाला है। तो बस उड़ानियों की टीम लंदन के लिए रवाना हुई और इसी दौरान उड़ानियों के अंगद मान यानी कि करण वी ग्रोवर का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट में करण वी ग्रोवर के चेहरे पर चोट आई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोट आई है करण वी ग्रोवर के चेहरे पर। वेल, उड़ारिया के बारे में बात करें तो उड़ारिया में आप सब देख ही रहे हैं कि फतेह से अलग होने के बाद तेजो जो है वो लंदन में अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। माना ये जा रहा है कि अंगद जो है वो तेजो को लंदन लेकर जाने वाला है, अंगद यानी कि करण वी ग्रोवर। यहाँ पर जो अंगद है उनका कैरेक्टर भी अब खत्म होने वाला है, यानी कि करण वी ग्रोवर की एग्जिट भी होने वाली है। तो अब जो है कहानी बहुत सारे मोड़ लेने वाली है, कैसे एग्जिट होगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वेल, आपको बता दें कि अभी कुछ ही वक्त पहले ही शूटिंग के लिए अंकित गुप्ता यानी कि फतेह, करण वी ग्रोवर यानी कि अंगद मान, ईशा मालवी यानी कि जैस्मिन और प्रियंका चौधरी यानी कि तेजो, ये सभी पूरी टीम के साथ लंदन के लिए रवाना हुए और लंदन की फ्लाइट पकड़ने के पहले ही कुछ इस तरीके से हो गया करण वी ग्रोवर के साथ। वेल, माना जा रहा है लंदन की अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए करण वी ग्रोवर मुंबई से दिल्ली आ रहे थे और सोर्सेज की माने तो पानीपत के पास करण वी ग्रोवर की कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया और अब तो खुद करण वी ग्रोवर ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है। खबरों की माने तो करण वी ग्रोवर ने इस एक्सीडेंट वाली बात को सही कहा है और कहा है कि हाँ, मेरा दिल्ली पानीपत हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। उनका कहना है कि घटना सुबह के 2 बजे के लगभग हुई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुशकिस्मत था कि एक्सीडेंट के बाद मुझे फटाफट कैब मिल गई, वहाँ मौजूद लोग मुझे पास के हॉस्पिटल लेकर गए। इसके अलावा करण वी ग्रोवर ने कहा कि अस्पताल में मुझे सही समय पर इलाज मिल गया, कुछ बहुत अच्छे लोगों ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। उनका कहना था, बाकी मेरे परिवार के लोगों की दुआएं मेरे साथ ही हैं। डॉक्टर्स ने मेरा इलाज करने में केवल 15 मिनट का वक्त लगाया, पेन किलर्स की वजह से मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि अस्पताल से मैं सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया, काम पर वापस लौटकर अब मुझे अच्छा लग रहा है। करण वी ग्रोवर ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी टीम को फोन पर घटना की जानकारी दी। सुबह सुबह मैंने अपनी टीम को काफ़ी बुरी खबर सुनाई, हालांकि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। टीम के लोग मेरी देखभाल कर रहे हैं, मेरी शूटिंग की लोकेशन शानदार है, मुझे यकीन है कि मेरे घाव जल्द ही भर जाएंगे। यानी कि जो अंगद हैं वो बहुत ही खुश हो गए हैं, लंदन पहुँच कर उनके पूरे घाव जो है वो भर गए हैं। फिलहाल जो ट्रैक चल रहा है उड़ारिया का बहुत मज़ेदार चल रहा है और सभी को उड़ारिया सीरियल बहुत पसंद आ रहा है। इस वीडियो में बस इतना।